स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट क्या होता है, फ़ायदा या मुनाफे को हम प्रॉफिट कहते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज से मुराद जब हम प्रॉफिट को परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज कहा जाएगा. तो आज हमने प्रॉफिट परसेंटेज से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करते हैं. द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन अ बाईसाइकिल इज 40%. एक बाईसाइकिल पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है. फाइंड द कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल. आपने उस बाईसाइकिल की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और सेल प्राइस फाइंड करनी है. व्हेन द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹500 और उसको प्रॉफिट कितना मिला है, ₹500 का. अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. प्रॉफिट परसेंट हमें गिवन है जो कि है 40%. और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है, ₹500. प्रॉफिट है हमारे पास ₹500. और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस्ट एंड सेल प्राइस. यानी हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस. इनकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस और SP का मतलब है सेल प्राइस. ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है. प्रॉफिट को मैं आगे क्वेश्चन में जब यूज़ करूँगी तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में P यूज़ करूँगी. P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट और CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेल प्राइस. अब हम सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%. इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लेंगे. स्टूडेंट्स ये याद रखें, कोई भी इस तरह का फार्मूला हो तो इसमें जब आपको कोई भी दो वैल्यूज़ दिए हुए हों तो आप तीसरी फाइंड कर सकते हैं. जैसे इस केस में आपको परसेंट प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है और प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है तो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. परसेंटेज प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू है 40%. 40% इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 500 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ CP, और मल्टीप्लाई बाई 100%. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी. इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं. और अब यहाँ से हमने क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम एक साइड पे कर लेंगे और बाकी सारे वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर देंगे. 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 40% डिवाइडेड बाई 100%. और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये परसेंटेज और परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ज़ीरो और ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय C.P यानी कॉस्ट प्राइस. अब यहाँ पे आके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जब किसी भी दो फ्रैक्शन के दरमियान, इनको फ्रैक्शन कहते हैं जो इस तरह डिवाइड फॉर्म में लिखा हो, तो किसी भी दो फ्रैक्शन के दरमियान जब इक्वालिटी हो तो हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं. एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और इसी तरह से इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. तो इसको करके लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस C.P इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 10. इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर रही हूँ. अब 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस, इसको एज इट इज लिख लें. 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल 5000 आ जाएगा. तो अब हमें क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए इसलिए हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो 4 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा,
वेरी गुड, डिवाइड हो जाएगा तो 5000 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा. अब इसको डिवाइड कर लें, 4 वन ज़र 4, 4 वन ज़र 4, 1 यहाँ कैरी, 4 2 ज़र 8, 4 5 ज़र 20 और 0. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, कॉस्ट प्राइस सी डॉट पी इज इक्वल टू रुपीज 1250. अब स्टूडेंट्स ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या हमने फाइंड करना था. एक तो हमने फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस और दूसरा हमने फाइंड करना था सेल प्राइस. तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने सॉल्यूशन की तरफ. कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं सेल प्राइस कि सेल प्राइस क्या है, ये हमने फाइंड करना है. स्टूडेंट सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हम प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. वो फार्मूला क्या था, पी फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, एस डॉट पी मतलब सेल प्राइस, माइनस सी डॉट पी यानी कॉस्ट प्राइस. इस फार्मूले से आप ये जब फार्मूला गिवन हो तो उसमें से कोई भी दो वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हैं. जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो हम सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स प्रॉफिट हमारे पास थे 500 रुपीस. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्रॉफिट की जगह 500 इज इक्वल टू सेल प्राइस हमने फाइंड करना है माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास आया है 1250 रुपीस. अब हमें सेल प्राइस की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम यहाँ से सेल प्राइस को इधर ही रहने देते हैं. एस डॉट पी इज इक्वल टू 500 और ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा 1250. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों को ऐड करें आपस में, तो 1250 रुपीस में अगर मैं ऐड करती हूँ 500 तो क्या आंसर आएगा, 0571 1750 रुपीस. तो इसका मतलब सेल प्राइस किसके इक्वल है, रुपीस 1750 रुपीस हमारा सेल प्राइस है. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस डॉट पी इज इक्वल टू रुपीस 1750. तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ गया. तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछा हुआ था, एक तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी और दूसरा हमने सेल प्राइस फाइंड करना था. तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये आ गया 1250 रुपीज़ यानी 1250 रुपीज़ और सेल प्राइस हमारे पास आ गया 1750 रुपीज़.